तो दोस्तों फाइनली बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म भैया रानीगंज का टीजर लॉन्च किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसे अभी मैंने कई बार देख लिया है मेरे भाई, कई बार। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि कल मिशन रानीगंज का शानदार पोस्टर और उसके साथ भैया शानदार मोशन पोस्टर हम लोगों के सामने जारी किया गया था, इस बात की जानकारी के साथ कि भैया ये टीजर जो है वो आज लॉन्च किया जाएगा। तो भैया कल से ही मुझे इस बात की उम्मीद थी कि भैया इस फिल्म के टीजर को बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि भाई एक्शन को भरते हुए असली किंग शाहरुख खान की आ चुकी फिल्म जवान के साथ सिनेमा घरों में अटैच करके दिखाया जाएगा। तो भाई जवान को तो हमें सिनेमा घरों में देखने जाना था, और भाई इस फिल्म के साथ हमें यह भी उम्मीद हो गई थी कि भैया जवान के साथ हमें मिशन रानीगंज का टीजर भी सिनेमा घरों में देखने को मिलेगा। लेकिन भाई जवान शुरू हुई, इंटरवेल खत्म हुआ, पूरी फिल्म खत्म हो गई, लेकिन भैया मिशन रानीगंज का जब टीजर हम लोगों के सामने नहीं आया तो भैया मुझे इस बात को लेकर काफी मायूसी हुई कि भैया क्यों नहीं इस फिल्म के टीजर को आज अटैच किया गया जवान के साथ में। और यही सोचते सोचते मैं घर आया, यही सोचते हुए कि भैया हो सकता है कि 1 बजे या फिर 2 बजे हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म के टीजर को लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन भाई सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हो गई, और शाम से जब रात हो गई तो मुझे ऐसा लगने लगा कि हो सकता है कि अब मिशन रानीगंज का टीजर हम लोगों के सामने नहीं आएगा और इस बात की जानकारी मुझे आप लोगों को देनी होगी। और अभी मैं ये विचार कर रहा था कि भैया इस फिल्म के टीजर पर यह रिपोर्ट मैं आप लोगों को बना कर दूं कि भैया आज नहीं आएगा मिशन रानीगंज का टीजर के, भैया तभी ये जानकारी हम लोगों के सामने आ गई कि भैया फाइनली आ चुकी है मिशन रानीगंज का टीजर। दोस्तों अमूमन हम लोगों ने एक बात देखी है अक्षय कुमार को लेकर कि वो अपनी आने वाली किसी भी फिल्म से जुड़े हुए अपडेट को भैया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबको बताते हैं कि भैया उनका ये अपडेट कब आएगा। लेकिन आज अक्षय कुमार ने मिशन रानीगंज के टीजर को लेकर ये जानकारी नहीं दी कि भैया ये टीजर कब लॉन्च किया जाएगा हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। लेकिन भाई कोई बात नहीं, इस बात से हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हाँ अब इस बात की खुशी जरूर है कि भाई एक और शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन फिल्म अक्षय कुमार सिनेमा घरों में लेकर आ रहे हैं भैया मिशन रानीगंज के माध्यम से, जिसके टीजर को देखने के बाद मैं ये बात आप लोगों को श्योर शॉट कह सकता हूं कि भाई एक और ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म सिनेमा घरों में देने के लिए तैयार है खिलाड़ी कुमार। तो दोस्तों कैसा है मिशन रानीगंज का ये टीजर, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म के टीजर को देखने के बाद हम ये बातें कह सकते हैं अपनी जुबानी कि भाई खिलाड़ी कुमार अब फिर से पूरी तरह से फॉर्म में आ गए मेरे भाई। चलिए समझने की कोशिश करते हैं मिशन रानीगंज के टीजर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों सुपर डुपर हिट है भाई, सुपर डुपर हिट तो छोटा शब्द है भैया, ये ब्लॉकबस्टर हिट है भाई, यानी कि भाई मिशन रानीगंज जिसका झलक आज हम लोगों के सामने जिस तरह से आया ना भाई, वो लाजवाब है मेरे भाई। मिशन रानीगंज को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों ने आपको दी है कि भाई ये फिल्म एक रियल घटना के ऊपर आधारित फिल्म है। इस फिल्म के माध्यम से रानीगंज में घटे एक घटना को आप लोगों को दिखाया जाएगा कि भैया किस तरह से वहां के कोयले के माइंस में कई सारे मजदूर फंस गए थे जिनकी जान को बचाया था अपनी जान पर खेलकर लेट जसवंत सिंह गिल ने, जो कि भैया वहां पर इंजीनियर थे मेरे भाई। यानी कि भैया जब जसवंत सिंह गिल जी को यह बात पता चली कि भैया उनके काफी मजदूर जो हैं वो एक दुर्घटना की वजह से फंस चुके हैं कोयले की माइंस में, तो वो अपनी जान की फिक्र ना करते हुए उन सभी मजदूरों को बचाने के लिए खुद उतर गए थे मेरे भाई कोयले की माइंस में मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही जबरदस्त टीजर आया है हम लोगों के सामने आज, जिसके माध्यम से यह बात बताई जा रही है कि भैया एडवेंचर और भाई साहसिक घटना के ऊपर आधारित यह फिल्म आपके दिलों को जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी कि वह फिल्म के टीजर का आगाज बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है, सायरन की आवाज के साथ में पहला फुटेज हमें दिखाया जाता है, जिसमें बात हमें बताई जाती है कि भैया यही वो कोयले का माइंस है, यानी कि भैया रानीगंज का कोयले का माइंस, जिसके अंदर काफी मजदूर कोयले निकालने का काम कर रहे हैं। और भैया इसी दौरान एक शॉट हमें देखने को मिलता है कि एक मजदूर देखता है ऊपर की तरफ से पानी टपक रहा है, उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि कोई दुर्घटना घटने वाली है। और उसके बाद भी हमें एक बेहतरीन CGI वाला शॉट देखने को मिलता है, बेहतरीन एनिमेशन वाला शॉट देखने को मिलता है, बेहतरीन वीएफएक्स देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से हम ये बात देखते हैं कि भैया पानी का एक बड़ा सैलाब आ रहा है जिसमें
कुछ मजदूर बह गए हैं। और उसके बाद भैया अगले शॉट में हमें ये बात दिखाई जाती है कि भैया 64 मजदूर जो हैं उस कोयले की खान में फंस चुके हैं, जिसमें से एक रवि किशन भी हैं, जो कि भैया ऊपर आवाज लगाते हुए ये बात बोल रहे हैं कि अरे हम जिंदा है रे, हमें बचा लो। और उसके साथ ही भैया इस फिल्म का टीजर आगे बढ़ता है और उसके बाद भैया अक्षय कुमार जो है वो जसवंत सिंह गिल के किरदार में नजर आते हैं, जिनको ये बात पता चलती है कि उनके काफी मजदूर जो है वो फंस चुके हैं भाई कोयले की माइंस में, और उसकी जान को बचाने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही शानदार टीजर आया हम लोगों के सामने, और इस टीजर को देखने के बाद मैं आप लोगों को एक बार फिर से यही बात बोलूंगा कि भैया हिट है, हिट है, हिट है। वैसे मैं आपको ये बात बता देता हूं कि भैया अक्षय कुमार की आने वाली इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम क्या है। तो भैया इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो है टीनू सुरेश देसाई, जिन्होंने भैया इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। उसके बाद भैया इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं अक्षय कुमार, परिणीति चोपड़ा, दिव्येंदु भट्टाचार्य, रवि किशन, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, वरुण बडोला और पवन मल्होत्रा। और इस फिल्म के जो स्क्रीन प्ले राइटर है वो है विपुल के रावल। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मेरे को बताइएगा कि आपको रानीगंज का मिशन रानीगंज का ये शानदार टीजर कैसा लगा, और भैया इस टीजर को देखने के बाद आपके दिल से भी ये आवाज निकली ना कि भैया एक और ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म सिनेमाघरों में देने के लिए तैयार हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंट जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मारने अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।